साथियों, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत काम किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारतीय न्याय संहिता। ये कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे थे, वो इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो तिरंगा झंडा फहरा करके तो आजादी की बात करते थे, लेकिन हर कानून व्यवस्था में मन से अंग्रेजी की गुलामी को जी रहे थे। गुलामी के कालखंड से प्रेरित इतना पुराना आजादी के पहले का कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हटाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया। अब भारत में न्याय संहिता में दंड को नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय मिलने को प्राथमिकता दी गई है। इसमें आतंकवाद से जुड़े कानूनों को भी और सख्त किया गया है, दूसरों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को कड़ा बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर नया प्रावधान किए गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने के बाद ये संहिता देश के हर नागरिक को बहुत मदद करने वाली है। भाजपा सरकार ने देश और समाज विरोधी पीएफआई को बंद किया है, उससे बड़े बड़े खैरखा जेलों में सड़ रहे हैं भाई।